अरे कोई बात नहीं, जब वो आएंगे ना तो पहले एक बर्तन गिरा दियो, मैं पूछूंगा क्या गिर गया, तो बोलियो ना कि कोरमा गिर गया, फिर ना दूसरा बर्तन गिरा दियो, फिर मैं पूछूंगा क्या गिर गया, तो बोलना बिरयानी गिर गया, फिर मैं बोलूंगा कोई बात नहीं दाल ही ले आ। हाँ ठीक है। अरे आइए आइए चौधरी साहब। अरे क्या गिर गया? आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? छोड़ दो। अरे क्या कर लेंगे ये लोग, मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा नहीं सीना, ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं? अरे काट दूंगा इन लोगों को। कहा थे ये लोग जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया? क्या इस तरह से जीना पाप है? हम लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर। अच्छा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? पप्पू नाम है हमारा। कहाँ पड़े हो? हम तो कहीं भी पड़ जाते हैं, कभी ऊपर वाले कमरे में पड़ जाते हैं, कभी नीचे पड़ जाते हैं, सोते रहते। अच्छा ऐसे क्या आता है बताओ? ऐसे कुछ नहीं आता, सब पैसों से आता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? पर भाई मेरी नजर में एक लोंडी आ रही और मुझे वो पसंद भी बहुत है। अरे कौन? अरे वही बाजार में दुकान वाली। अच्छा वो जिसकी दुकान है बाजार में? अरे क्यों उसके चक्कर में पड़ रहा? अरे दुकान बंद करके वो रोज दे दे के मारी गई शटर में। पता ना कितनों ने अपनी पेंसिल दे दे के घुमा ली उसके कटर में। भाई कह दे कि वो झूठ है। अरे भाई झूठ ना है। अरे जिस गुफा का तू अली बाबा बनने सोच रहा ना, उसमें 40 चोर घुस के पहले निकल चुके। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। पत्नी से हुई लड़ाई पिट गए महेश भाई, बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है। फांसी का फंदा बनाए जल्दी से स्टूल लाए, बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है। पत्नी ने आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है। पत्नी बोली तुम्हें समझाने की ना मुझे पड़ी, जल्दी से झूलो मुझे स्टूल लेके जाना।